Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. Today, inshallah, we will discuss everything about the Qatar. How a doctor can go to Qatar and earn a handsome amount of money in his life. Basically, this whole video is divided into 6 parts in which we will discuss about the pathways, exams, detail about exams, salaries, requirement, and how to stand out in our CV. And then last, we will discuss about the general discussion about Qatar. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कतर जाना ही क्यों चाहिए. बेसिकली कतर एक सेफेस्ट कंट्री है और richest कंट्री में भी कतर का नाम आता है. यहाँ टैक्स फ्री कंट्री है जिसका बहुत ज़्यादा आपको एजेंट जितने आप लोग कमाएंगे वो खुद अपनी जात पे ही लगाएंगे. तो टैक्स मैं आपको बताता हूँ वो ऑलमोस्ट सबके लिए होते हैं, जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं उन सबके लिए होते हैं. तो स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द पाथवेज. बेसिकली हमारे पास 2 पाथवे होते हैं कतर जाने के लिए. अगर आप लोगों ने US में ली किया होगा जो कि अमेरिका का टेस्ट होते हैं वो अगर आपने किया होगा, US में पार्ट 1 आपका क्लियर है और पार्ट 2 सी के क्लियर है तो आप कतर इजीली जा सकते हैं. दूसरा जो पाथवे है वो ये है कि MBBS आपने की हुई हो और 1 साल की आपने हाउस जॉब की हुई हो और 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप कतर जा सकते हैं. कतर जो है गोल्फ कंट्री जितनी भी है वो एक्सपीरियंस को ज़्यादा डिमांड करती हैं. फ्रेश ग्रेजुएट वो भी डिमांड करते हैं लेकिन वो ज़्यादा सर प्रेफर करते हैं जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो. एक्सपीरियंस की बेस पे सैलरीज भी अच्छी देते हैं. आगे जाके मैं आपको सैलरीज में भी बताता हूँ कि एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको कितनी ज़्यादा अच्छी सैलरीज मिल सकती हैं. तो एग्जाम्स के बारे में अब हम बात करते हैं. बेसिकली 2 एग्जाम होते हैं. एक होता है MOP है जिसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ और दूसरा जो होता है वो है DHP डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशन. MOPH बेसिकली ये हर डेंटिस्ट हो चाहे वो फार्मासिस्ट हो जो भी हो सबको देना पड़ता है और ये आज कंपेरिजन अगर हम देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत ईजी एग्जाम होता है. कंप्यूटराइज बेस एग्जाम होता है. 150 इसके MCQs होते हैं. 3.5 आदि इसके लिए दिए जाते हैं. पासिंग रेशियो इसकी 60% होती है कि 60% अगर आपने मार्क्स ले लिया तो आप पास हो जाते हैं. इसमें पास फेल आपको बताया जाता ना कि आपको मार्क्स बताए जाते हैं. नेगेटिव मार्किंग भी नहीं की जाती. और 180 प्लस कंट्री में इसका सेंटर अवेलेबल है. ऑनलाइन सेंटर आप बुक करवाते हैं और आपको मिल जाता है. और इसके बाद हम अब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट कौन कौन से होती हैं. रिक्वायरमेंट में बेसिकली यार MBBS की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, हाउस जॉब का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो बेसिक मैंने दूसरी वीडियोज में बता रखे हैं डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स इसके लिए भी नेसेसरी होते हैं. IELTS या TOEFL आपने करना होता है. ये दोनों इंग्लिश टेस्ट होते हैं. बेसिकली ये TOEFL अगर आप लोग करते हैं वो 80% उसमें स्कोर होना लाजमी है और अगर IELTS करते हैं तो उसके लिए आपके पास 7+ बैंड होने चाहिए. और जो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे आपने इंग्लिश में भी कन्वर्ट करवाने और अरबी में भी उन डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करवाना है. और सैलरीज की हम बात करते हैं. सैलरीज बेसिकली आप एज अ GP जाते हैं 12,000 से लेके 20,000 कतरी दिनार वहां पे कमा सकते हैं. आप अपनी कंट्री के मुताबिक बना लीजिएगा कि एक कतरी दिनार कितने का बनता है. मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं तो मेरे आज की डेट के बाद 76 रुपीज का एक कतरी दिनार बनता है. और अगर आप स्पेशलिस्ट हैं किसी भी फील्ड में, स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिस भी फील्ड में आप स्पेशलिस्ट हैं, तो अगर आप फिर जाना चाहते हैं कतर में आके 20,000 से लेके 25,000 कतरी दिनार कमा सकते हैं. हाउ टू स्टैंड आउट इन यूर CV. अगर CV मजबूत होती है तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं. CV मजबूत इस तरह हो सकते हैं आपके पास कोई और स्किल होने चाहिए. मतलब आप डॉक्टर तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप डॉक्टर बन चुके हैं लेकिन और स्किल जैसे आप कुछ स्पोर्ट मैन के सर्टिफिकेट हो कि आपने सपोर्ट हमारे कॉलेज में भी तो स्पोर्ट्स वीक वगैरह होते हैं तो कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. पार्टिसिपेट आप लोगों को करने चाहिए. यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं वो बहुत ज्यादा एज होता है उनका. बाद में आपको इंटरव्यूज में और मुख्तलिफ कंट्रीज में जाते हैं तो वो ये चीजें देखते हैं. आप अगर आर्टिस्ट हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप कोई व्लॉगर हैं, आप कोई डिबेटर हैं, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होने चाहिए. वो बहुत ज़्यादा आपको फायदा देती हैं आगे जाके. और मैं आपको जनरल बातें बताता हूँ कतर के बारे में. पॉपुलेशन कतर की 2.7 बिलियन है. 86% यहाँ पे जो है वो फॉरन रहते हैं और कतरी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कम रहते हैं. 100+ कंट्रीज लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं. 62-65% ये मुस्लिम रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये मुस्लिम कंट्री है. रिसेंट बाल का फीफा वर्ल्ड कप था वो भी यहाँ पे हुआ था. बहुत ही अच्छा कंट्री है. रिचेस्ट कंट्री में भी इसका नाम आता है और सेफेस्ट कंट्री है. ये गर्म कंट्री है. जून जुलाई में यहाँ पे 40-50 सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है. मतलब गर्म कंट्री है. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. ये सीरीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में शेयर करें और ये सीरीज आप देखें. लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया करता हूँ. आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन पढ़ा करें. वहाँ पे लिंक्स होते हैं. वहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं उनसे आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं. आपको जो एग्ज़ाम फीस है वो भी आपको बता दी जाती है और वेबसाइटें जो मुख्तलिफ दी गई हैं उसके ज़रिए आप अपना स्लॉट वगैरह भी बुक करवा सकते हैं. सारे लिंक्स मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि ये बहुत
अगर मैं सारे लिंक आपको दिखाता रहूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो लोग इतनी लंबी वीडियो फिर देखते भी नहीं है। आप बस लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जिस कंट्री के बारे में आप चाहते हैं तो मुझे बता दें। कतर की बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे कि गल्फ कंट्रीज में पहले कवर करूँ, इंशाल्लाह मेरी अब यही है कि इंशाल्लाह मैं पहले गल्फ कंट्रीज कवर करूंगा, उसके बाद जाकर फिर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ हम वापस जाएंगे। आपका अपना भाई डॉक्टर मियां मोहम्मद मुस्लिम कुरैशी, अल्लाह हाफिज़।